अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 26 अक्टूबर 2023 को डान में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 60% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रही है और इन डिजीज का और इन डेथ का सबसे बड़ा रीजन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। और इस बात को पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस और पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन ने ओपनली एडमिट किया और ये कहा कि पाकिस्तान में 60% डेथ का रीजन हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ही है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के सदर डॉक्टर मजहर मिर्जा ने यह भी कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से एनसीडीज में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और अगर गवर्नमेंट ने अर्जेंट स्टेप्स ना लिए तो 2045 तक पाकिस्तान की 62 मिलियन पॉपुलेशन डायबिटीज का शिकार हो जाएगी। और इस टाइम पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री बन चुका है जहां पर डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान में डर्ट्स की 30.8% आबादी इस टाइम डायबिटीज का शिकार हो चुकी है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा फिगर है दोस्तों। जर्नल ऑफ नर्सेज और मिडवाइफ्स ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई 2023 को एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखा, ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। दोस्तों इस रिसर्च बेस्ड आर्टिकल और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल होने वाली डाइट का आने वाले बच्चे की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस सर्वे में या इस आर्टिकल में जो हैरान कन फैक्ट सामने आते हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है दोस्तों। 426 प्रेग्नेंट वुमेन पर एक सर्वे किया गया जिसमें 2.8% वुमेन ऐसी थी जिन्होंने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कभी नहीं लिया था और 97.2% लेडीज ऐसी थी जिन्होंने रूटीन लाइफ में ये फूड लेती रही थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 48% वुमेन ने एक वीक में 3 से 4 दफा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल किया और 13% प्रेगनेंट वुमेन ने रोजाना के बेस पे प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल किया और इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान एबनॉर्मेलिटीज और कॉम्प्लिकेशन में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। आप लोग ये आर्टिकल जरूर जाकर पढ़ें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया की आबादी इस टाइम प्रोसेस्ड फूड की एडिक्ट हो चुकी है और सिर्फ यूएसए में 73% जो फूड की सप्लाई होती है उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शामिल होता है। 14 नवंबर 2022 को अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके मुताबिक सिर्फ 2019 में ब्राजील में 57,000 लोगों की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से डेथ हो चुकी थी। 57,000 का फिगर बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको नोट कर लें कि सिर्फ एक कंट्री ब्राजील में और सिर्फ एक साल में इतनी ज्यादा तादाद में लोगों की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से डेथ हो चुकी है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से प्री मेच्योर डेथ की चांसेस 48% बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये साल था 2015, फोर्स लैब ने इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें 17,000 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए तो उनमें से 67% बच्चों के ब्लड में अब नॉर्मल शुगर लेवल को देखा गया, यानी कि इतना ज्यादा हाई शुगर लेवल जिसको हम डायबिटिक पेशेंट्स कह सकते हैं और जो रीजन सामने आती है जिसकी वजह से इतना ज्यादा शुगर लेवल देखा गया बच्चों के ब्लड सैंपल में सबसे बड़ी रीजन थे दोस्तों हाई इनटेक ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दोस्तों क्या है ये प्रोसेस्ड फूड और कितने ज्यादा है इसके नुकसानात और क्यों पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में इस प्रोसेस्ड फूड को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और कैसे हम खुद को और अपने बच्चों को इस प्रोसेस्ड फूड से बचा सकते हैं, यही सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? ऐसे फूड आइटम्स जिनको हम बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हैं। इसमें फूड आइटम्स को लंबे अरसे तक खाने के काबिल रखने के लिए इनमें प्रेजर्वेटिव मिक्स किए जाते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को बढ़ाने के लिए इनको फोर्टिफाई किया जाता है और फिर इनको किसी कैन में, किसी डब्बे में या पैकेट में बंद कर दिया जाता है, यानी कि डब्बा बंद खाना, और इसी फूड को हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, आइसक्रीम, पैकेज सूप, चिकन नगेट्स, हॉट डॉग, फ्राइज, जैम, सीरीलैक और इस तरह के बहुत सारी बेकरी आइटम, इन सब को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बोला जाता है। ये सारे के सारे फूड्स खाने से हमारी इंस्टेंट भूख तो खत्म हो जाती है, हमारा पेट भर जाता है, लेकिन इसके नुकसान क्या है ये जानते हैं वीडियो के इस हिस्से में। दोस्तों आज 2024 चल रहा है और पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के बच्चों के अगर ब्लड सैंपल लिए जाएं और जो रिजल्ट आएंगे वो तो आपको हिलाकर रख देंगे और मेजॉरिटी बच्चों के सैंपल में आपको हाई लेवल शुगर देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में बच्चे की बर्थ के फौरन बाद उसको प्रोसेस्ड फूड देना शुरू कर दिया जाता है और एक टाइम पे आकर तो बच्चे को घर का खाना टेस्टलेस और बिल्कुल फीका लगने लग जाता है। और ये सिर्फ बच्चे नहीं है, हम सब लोग दिन के किसी न किसी हिस्से में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल जरूर करते हैं
और ये हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 30% हमारी डाइट में, हमारे इनटेक में प्रोसेस फूड शामिल होता है। और ये भी कहा जाता है कि प्रोसेस फूड आर सेफ, जो कि सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। और प्रोसेस फूड हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है, प्रोसेस फूड सेफ है, ये झूठ हमारे मीडिया पर इंतहाई बेशर्मी से, डिटाई से बेचा जा रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए। और आज आपको प्राइम टाइम 6 to 9 हर टीवी चैनल पर हर कमर्शियल में 50% पैकेज और प्रोसेस फूड के कमर्शियल ही देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज 30% प्रोसेस फूड ही खाया जाता है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान में घर के खाने की बजाय आज पाकिस्तानी प्रोसेस फूड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसको बनाने में टाइम कम लगता है और टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आज के बिजी स्केड्यूल की वजह से हमारी रूटीन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और इसी वजह से हमारी फूड हैबिट्स भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और पाकिस्तान में अल्ट्रा प्रोसेस फूड बड़ी तेजी के साथ लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बात करते हैं चंद प्रोसेस फूड आइटम्स के बारे में जो आज हर घर में इस्तेमाल होते हैं। और शुरुआत करते हैं बेबी फूड प्रोडक्ट्स से। कुछ बेबी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आज पाकिस्तान में सिंबल ऑफ क्लास, ये सिंबल ऑफ स्टेटस बन चुके हैं। और हमारा मीडिया उन प्रोडक्ट्स को ऐसे दिखाता है जैसे इनके बगैर हमारा बेबी ग्रोथ ही नहीं कर सकता। और अगर ये प्रोडक्ट्स हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। और ये प्रोडक्ट्स आज हर बेबी की एक बेसिक नीड बना दी गई। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान के टॉप ब्रांड से लेके हर सर्विंग में 2.5 ग्राम सिर्फ शुगर ही होता है। और इनकी मार्केटिंग टीम और इनकी सेल्स स्ट्रेटजी हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसाती है। और इन प्रोडक्ट्स को बेबी के मंथ के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, Stage 1, Stage 2 और Stage 3। हालांकि इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई जाती हैं। और आज सिरलैक हमारे न्यू बॉर्न बेबी की सबसे पहली खुराक बनता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा प्रोटीन तो हमें एक रोटी में मिल जाती है। और ज़रा सोचो दोस्तों, जब ये ब्रांड्स नहीं थे तो क्या बच्चों की ग्रोथ रुक जाती थी और क्या उस टाइम बच्चे वीक हुआ करते थे? और सिर्फ सिरलैक के इस्तेमाल की वजह से आज बच्चों में हाईली शुगर इनटेक की आदत पड़ जाती है और ये आदत सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है और बाद में आने वाली ज़िंदगी में उनको घर का खाना बिल्कुल फीका लगने लगता है। नंबर 2 पे है प्रोटीन पाउडर। दोस्तों, आज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं और आज प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल करने का फैशन बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और आज की यंग जनरेशन प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करती है और इसके इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, क्योंकि इन प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होती है और इसी फैट की वजह से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से कार्डिक अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के हर घर में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए चाय और कॉफ़ी के साथ सॉफ्ट ब्रेड, बिस्किट्स, टोस्ट और जैम का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और पहले ये सिर्फ शहरों का फैशन था और हमारे विलेजेस में ऐसे ब्रेकफास्ट देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज गांव में भी चले जाएं तो वहां भी ऐसे ब्रेकफास्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स हम रूटीन लाइफ में खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं, क्योंकि इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में फ्लेवर्स के लिए शुगर और हाईली एस्प्रिज का इस्तेमाल होता है। एस्प्रिज एक एमानुअल हाइजल होता है जो कि बाद में एक बहुत बड़ा केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इन प्रोडक्ट्स को हाई टेम्परेचर पर बेक या फ्राई किया जाता है तो ये केमिकल बाद में कैंसर का बायस बन जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फ्रोजन चिकन, फ्रोजन मीट और तमाम की तमाम फ्रोजन आइटम। इन सब में सोडियम नाइट्रेट अप्लाई किया जाता है इनको प्रिवेंट करने के लिए। और रिसर्च ये बताती है कि सोडियम नाइट्रेट भी कैंसर का बायस बनता है, इसलिए लंबे अरसे तक फ्रीज किया गया प्रोसेस फूड भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं हम सबका फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स। और लास्ट कुछ सालों से इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में बड़ी तेजी से इसका इजाफा हुआ है। और इनको तैयार करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती और ना ही इनको कुक करना पड़ता है, बस गर्म पानी में डालो तो ये खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक हालिया होने वाली रिसर्च के मुताबिक एक लेडी को हफ्ते में 2 दफा इंस्टेंट नूडल्स दिए गए और बाद में इसकी हेल्थ को ट्रैक किया गया और जो रिजल्ट सामने आते हैं दोस्तों वो चौंका देने वाले। हफ्ते में सिर्फ 2 दफा इंस्टेंट नूडल्स खाने की वजह से इस लेडी के बॉडी में स्टोमक कैंसर होने के चांसेस 68% ज्यादा हो जाते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी एक स्टडी कंडक्ट की और 5 वॉलंटियर्स को मुसलसल 5 दिन के लिए कैंड सूप दिया। और जब इनके यूरिन टेस्ट किए गए तो इनके यूरिन में डिसफिनाइल ए केमिकल की मकदार 1000% से भी इंक्रीज कर जाती है। बीपी एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है, ये मेल और फीमेल दोनों में अनफर्टिलिटी की वजह बनता है
और इसी वजह से प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं स्पाइसेस, हमारे प्यारे मसाला जात जो हमारे फूड को बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और जो रोजाना हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। इन मसालों में लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं और ये रोज इस्तेमाल होने वाले मसाले भी हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में और दुनिया भर में ये मसाले बैन हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में आज भी बड़ी तेजी से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, लेज, जैम और जितनी भी डब्बा बंद आइटम्स हैं, ये सब के सब हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है दोस्तों। इसलिए जितना हो सकता है इन आइटम से बचें और अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि आप और आपकी फैमिली एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। सबसे पहले गवर्नमेंट को आगे आना होगा, बड़े मैसिव लेवल पर स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज में ऐसे मिसाल बिल्कुल भी नहीं होते। पाकिस्तान में फूड लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है दोस्तों कि लोकल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स की कॉपी प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही दिनों में तो कोक और पेप्सी जैसे ब्रांड्स की दो नंबर सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में आने की वजह से और ज्यादा नुकसान हो रहे हैं दोस्तों। और बच्चों ने जब इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पिया तो कुछ बच्चों की किडनी फेलियर भी देखने को मिले और लाहौर में तो कुछ बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रोसेस फूड बनाने वाले ब्रांड्स पर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए जिसको तरक्की याफ्ता ममालिक फॉलो करते हैं ताकि इसी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में डिस्करेज किया जा सके। सबसे पहले इन सब ब्रांड्स की मार्केटिंग को फिल्टर किया जाना चाहिए और इन प्रोडक्ट्स पर ये लिखा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये आपके लिए मुजरे सेहत है और अब तो सिगरेट के पैकेट पर तस्वीर भी आ चुकी है। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा के इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को डिस्करेज किया जाना चाहिए और आम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना होगा और गवर्नमेंट को चाहिए कि टीवी एड्स और कमर्शियल के जरिए लोगों को अवेयर करें कि घर का खाना और ऑर्गेनिक फूड आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है और लोगों को घर का खाना इस्तेमाल करने पर इनकर्ज करना होगा और अल्ट्रा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करने के लिए डिस्करेज करना होगा। ए, बी, सी और डी जैसी कैटेगरीज बनाकर लोगों को अवेयर किया जाए कि कौन सी प्रोडक्ट्स उनके लिए हेल्दी हैं और कौन सी अनहेल्दी हैं। जैसे कि ए की कैटेगरी में फॉल करने वाली सारी की सारी प्रोडक्ट्स लोगों के लिए हेल्दी हों और जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे जाएगा डी तक जाएगा तो प्रोडक्ट्स अनहेल्दी होना शुरू हो जाएंगी और लोगों को ऐसी बार कोडिंग देखने को मिले और ऐसी पैकेजिंग देखने को मिले कि जिसको देखने के फौरन बाद हम ये फैसला कर सके कि प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। और अब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्गेनिक फूड लें, घर का खाना इस्तेमाल करें, अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।